करें, कुदरत का एक अपना निज़ाम बहरहाल हमारा ईमान है कि मौजूद है। ये जो अल्लाह ताला का निज़ाम है ये हमारी मॉर्टल्स की सुप्रीम कोर्ट नहीं है जहां हम पटिशन्स करें और अर्ली हेयरिंग के एप्लीकेशंस दें और वो गुम जाएं। यहां पे किसी पटिशन की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आज फैसला ज़रूर हुआ है लेकिन इंसाफ के अभी कई तकाजे बाकी हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि हम ख़ुद कुछ एक्शन लें, लेकिन ये हमारा ईमान है और अभी हम बहुत सारी चीज़ें अपने सामने देख चुके हैं और आप सब लोग देख चुके हैं कि जब वो जुल्म हो रहा था तो उसके जितने भी किरदार थे उनमें से बहुत सारे लोग बहुत सारे और तरीक़ों से अपने अंजाम को खुद ही पहुंच गए, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। तो कुदरत के इस निज़ाम में हमारे ज़िम्मेदारी कोई नहीं है कि हमने क्या करना है, लेकिन ये इंसाफ हमारा ईमान है कि होगा ज़रूर। अच्छा, क्या आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने के लिए कहा जाता था, वादा माफ कबाब बनने के लिए आपके ऊपर जोर डाला जाता था? इतना अरसा आपको जो रखा गया, वैसे तो हम देखते हैं 3 माह में 4 माह में 6 माह में जमानत हो जाती है, लेकिन आपकी सतह पर जो है वो बहुत लंबा ये टेन्योर चला। जी बारहा बहुत शुरू से लेके और बहुत देर तक ये मुतालबा रहा वादा माफ कबाब बनने का, और ये हमारा अमजद साहब के नॉलेज में है कि पहले दिन से जब हमने अदालतों से रुजू किया और अपने पटिशन्स की तो तब से हम ये बात अदालतों को बता रहे थे कि हमारे ऊपर ये प्रेशर है और हमसे ये मुतालबा किया जा रहा है और ये चूँकि झूठ पर मबनी है तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते। तो ये बात रिकॉर्ड की है और अब जो अप्रूवर्स ने ख़ुद बताया कि उनको जिस तरह मजबूर किया गया बाय चेयरमैन नैब और डी जी नैब और बाकी अफसरान के, तो ये चीज़ें तो अब अदालत के रिकॉर्ड का भी हिस्सा बन चुकी हैं। अच्छा जी, मतलब अब तो आप चूँकि बरियत हो गई है, अब ये बताइए कौन था जो आपको आपको प्रेशराइज करता था कि वादा माफ गवाह बने, यानी कौन लोग खास को पॉलिटिकल बनना होता था, कौन होता था जो नहीं? देखिए चीमा साहब के अपने बयान में भी और फिर जो वादा माफ गवाह थे जिन्होंने कोर्ट में ऑन ओथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है, उन्होंने कोर्ट के रिकॉर्ड पे क्रॉस एग्जामिनेशन में नाम लिए हैं। उन्होंने जावेद इकबाल जो साबिक चेयरमैन नैब है उनका नाम लिया है, उन्होंने साबिक डी जी नैब का नाम लिया है, उन्होंने एक दो डायरेक्टर्स हैं FIA के उनका नाम लिया है कि ये वो लोग थे जो हमें बारहा आके ज़ेरे हरासत कस्टडी में ये तरगीब देते थे कि आपके लिए आसान रास्ता यही है कि आप मियां शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बने तो आपकी रिहाई जो है वो कोई मसला नहीं होगी और आपके साथ हाथ हौला रखा जाएगा। और जिसकी ज़िंदा जावेद मिसाल जो है प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं इसी केस में, वो वादा माफ गवाह थे जो जब वादा माफ गवाह बने तो आपने देखा कि उन्हें विद इन डेज़ बेल मिल गई, जबकि चीमा साहब ने ये अज़ियत तकरीबन 3.5 साल बर्दाश्त की। अच्छा चीमा साहब, ये बताइए आपने लाहौर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं और उन प्रोजेक्ट्स के बुनियाद पे आप कोई अवामी अहदा या फिर इस तरह के कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है वो अपनी जो आपकी स्पेशलिटी है उसमें कोई काम करेंगे, अवामी खिदमत का जज्बा लेकर निकलेंगे या नहीं? देखिए सिविल सर्विस से तो मैंने रिज़ाइन कर दिया तकरीबन 2 साल पहले और सोच समझ के किया। मेरा ख्याल है कि मुझे अब दोबारा उस रोल में नहीं जाना और जो हमने किया है उस पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इत्मीनान है, लेकिन मैंने इस दौर में और इस 5 साल या 6 साल के अरसे में जो रवैया अवाम का देखा है मुझे उस पर ज़रूर एक अफसोस है। हम जो अपने आप को पढ़ा लिखा भी कुछ लोग कहते हैं उनका भी जो तरीक़ाकार है सरकारी अफसरान के बारे में एक जनरलाइज्ड व्यू रखना कि ये सब के सब गलत हैं, या किसी सियासतदान पर इल्ज़ाम लग जाए तो उस पर फ़ौरन ईमान ले आना कि ये दुरुस्त ही होगा, तो इस तरह से कौमें ना बनती हैं ना तरक्की करती हैं। तो मेरे इस्तीफ़े की एक वजह ये थी कि मैं पाकिस्तान के अवाम को ये कहना चाहता था कि आप हमसे बेहतर लोग ले आएँ और जो हमसे अच्छा काम करें, हमसे ज़्यादा ईमानदार हों। तो उस रोल में तो मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। ताहम पब्लिक लाइफ से मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर इस मुल्क के निज़ाम में कुछ बेहतरी करनी है तो उसके लिए शायद सरकारी मुलाजमत मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं है। तो पब्लिक लाइफ में हम कोई रोल ज़रूर प्ले करेंगे, उसकी आने वाले दिनों में क्या शक्ल होगी ये अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाएगा और डिसाइड करेगा।